देखिए भैया, देखिए इस बार हम किसानों को मुआवजा देंगे। मोदी जी, क्या विचार है आपका हमारी इस नई योजना पे? मुआवजा नहीं, मुआवजा होता है। क्या आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती राहुल बाबा? मोदी जी, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, ऐसा क्यों? बोलो मोदी जी। क्योंकि राहुल बाबा आप महापप्पू हो। आखिर ये क्या कर रहा है तू? जल्दी शुरू करना। मैंने इससे कितनी बार कर रे, मान जा दिखा दे, बजे मनती नहीं रे। बस सभी आल शुरू कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 77। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांचोमैन अपने बड़े रूप से छोटे रूप में आ गया था और उसने अपने किए के लिए फोलगोरे से माफी भी मांगी थी। इस पेज में हम देख सकते हैं कि कांचोमैन फोलगोरे से कहता है, फोलगोरे तुम्हारे पास तो गोमू की किताब है ना? फिर फोलगोरे कहता है, हाँ कांचोमैन, ये उसकी ही किताब है। मीर और गोम की हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि अब वो हिल भी नहीं सकते। तो ठीक है कांचोमैन, अब मैं शिनफु रीकु को कैंसिल कर रहा हूँ। फिर चारों तरफ धुआं फैल जाता है और वो स्पेल कैंसिल हो जाता है। और फिर अगले पेज में हमें दिखाया जाता है कि शिनफु रीकु का असर बेअसर हो चुका है और जहाँ से उनने जो लड़ाई शुरू करी थी वह वहीं पहुंच जाते हैं। और ये सब देख के पापी हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो वही जगह है जहाँ हम पहले थे। रोपर, क्या वो सिर्फ एक इल्यूजन था? रोपर कहती है, लगता तो ऐसे ही है। फिर मीर अचानक सोच में पड़ जाती है और कहती है क्रोम से, आखिर तुम्हारे पंख तो टूट गए थे ना, ये दोबारा नॉर्मल कैसे हो गए? हाँ, और मेरे कपड़े तो पहले जैसे हो गए हैं और जो मुझे गंभीर घाव थे मुझको और भर गए हैं। और यही बात सुनकर कांचोमैन कहता है मीर से, क्योंकि बहना शिनफु रीकु दिमाग पे असर करता है। बहना, ये स्पेल जब चालू होता है तो आपके शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ी सी चोट और थकान तो रह ही जाती है। फिर कांचोमैन कहता है, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करता रहता तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर बहुत ही बेकार असर पड़ता। फिर कांचोमैन मीर और क्रोम से माफी मांगते हुए कहता है, यदि फोलगोरे तुम्हें रोकता नहीं तो तुम शायद मर जाते, इसके लिए सॉरी। और इसके बाद कांचोमैन को कुछ ख्याल आता है और वह फोलगोरे से कुछ कहता है, फोलगोरे क्या तुम गोमू की बुक चलाने से पहले एक और बार शिनफु रीकु का इस्तेमाल करोगे? कर दो ना प्लीज। और फोलगोरे ये सुन के चौंक जाता है और कहता है, ए ए ए, अभी मेरे पास इतनी हार्ट एनर्जी नहीं है, फिर भी तुम कहते हो तो करते हैं। फिर डरते हुए मीर उन दोनों से कहती है, हे हे, ये क्या कर रहे हो? ऊपर से तुम हमसे सॉरी बोल रहे हो और हमें मारने भी वाले हो। फिर फोलगोरे स्पेल पढ़ता है शिनफु रीकु। फिर मीर घबरा जाती है, हमारे साथ क्या होने वाला है? और इसके बाद चारों तरफ सुंदर माहौल हो जाता है और चारों तरफ तितलियां और फूल खिलने लग जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ मीर भी हैरान हो जाती है। इस माहौल को देख के कांचोमैन के साथ साथ गोर भी बड़ा खुश नजर आता है। फिर कांचोमैन अपने हाथों के द्वारा और तितलियां और चिड़िया बना देता है
जिसे देख के गॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर अगले पेज पर क्रोम को बड़ा मजा आ रहा होता है तितलियों और पक्षियों के साथ खेलकर, और वो बोलता है क्रोम, क्योंकि ये सिर्फ अपना नाम ही बोलता रहता है और ये सिर्फ उसके पार्टनर को ही समझ में आता है। और फिर कांचोमैन क्रोम से कहता है, क्रोम तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, ये छोटी छोटी बर्ड्स, ये छोटी छोटी तितलियां ये तुम्हारे सामने घूम रही है, मन को बहुत अच्छा लगता है ना इससे। और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक लायन नहीं बना। और फिर चुड़िया उसके हाथ पे चढ़ जाती है और कहता है, क्योंकि यही सही तरीका है मेरी पावर को यूज करने का। और इसके बाद वो अपने जेब में से कुछ निकालने लग जाता है और कहता है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं एक पेन निकाल देता हूँ। और अपनी पेन की सहायता से पत्थर पे कुछ ड्रॉ करने लग जाता है। देखो ग्रोम, मैं तुम्हें एक छोटी सी चुड़िया दे रहा हूँ जो ज्यादा अच्छी तो नहीं है, फिर भी आप ले लो। फिर गॉर्म उस छोटी सी चिड़िया को देख के खुश हो जाता है और कहता है गॉर्म, क्योंकि वो यही कह सकता है। फिर कांचोमैन गॉर्म से कहता है, अगर कभी भी हम डेमन वर्ल्ड जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। फिर गॉर्म कांचोमैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और पीछे बैठी बैठी मीर सोचती ही रह जाती है। फिर मीर गॉर्म से कहती है, तुम किस बात के लिए तक खुश हो रहे हो, वो तुम्हें बहला रहे हैं गॉर्म। फिर फोलगोरे कांचोमैन से कहता है, कांचोमैन अब मैं धीरे धीरे अपनी हार्ट एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, तो चलो इनकी बुक जला ही देते हैं। कांचोमैन कहता है फोलगोरे से, ठीक है। फिर से चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है और कांचोमैन का स्पेल खत्म होने के बाद वो जगह पहले जैसी बन जाती है और उसी समय बीनू वहां पहुंच जाता है। फिर कांचो में उस बच्चे को या बीनू को देख लेता है और बीनू की बुक चमकने लग जाती है। और फिर कांचो मैन कहता है, ये बच्चा तो, और इसके बाद क्लियर का पार्टनर बीनू अपना स्पेल इस्तेमाल कर देता है। और जैसे ही फुलगोरे ग्रोम की बुक को जलाने वाला होता है, वैसे ही वो उस छोटे बच्चे या बीनू की आवाज सुन लेता है उसकी स्पेल की और कहता है, ए, ये क्या है? और मीर कहती है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? और फिर पपीर और पापी कहता है, अब ये क्या है? और फिर अंत में हमें उसका प्रोटेक्शन बैरियर दिखाई देता है बीनू का। फिर हमें टेलेस्टाइन गुफाओं की माउंटेन दिखाए जाते हैं, जिसमें क्लियर ठीक होने के लिए एक ककून में रखा गया था और वो ककून कौन के द्वारा बनाया गया था। जैसे ही अचानक से क्लियर को वीनो की स्पेल की आवाज आती है, वो जाग जाता है और उसके हाथ धीरे धीरे ककून से बाहर निकलने लग जाते हैं और वो अपना हाथ खोलता है और अटैक शुरू कर देता है। और वो बेब नुमा एनिलेटिंग स्पेल जहाँ बीनू खड़ा होता है वहीं पहुंच जाता है। फिर कांचोमैन को एहसास होता है और कहता है, हमारे सर के ऊपर तो कुछ है फुलगोरे, वो आ रहा है। और ऊपर आसमान में देखते हुए कहता है, इसका निशाना तो बहुत पक्का है, ऐसा लग रहा है कि हम इसे कभी नहीं रोक सकते, जो बहुत शक्तिशाली है। क्या आखिर ये छोटा बच्चा किस पे निशाना लगा रहा है? और फिर कांचोमैन थोड़ा दिमाग लगाता है और सोचते हुए कहता है, किताब, इस बच्चे की आंख तो हमारी किताबों की तरफ है। फिर कांचोमैन फुलगोरे से डरते हुए कहता है, फुलगोरे वो किताब, उसे फेंक दो कहीं दूर। और फिर वो पपूरी और पापी की तरफ दौड़ लगाते हुए जाता है और कहता है, जल्दी करो पापी, उसे फेंको। और फिर फुलगोरे अपनी किताब फेंक देता है और कांचोमैन पपियों की किताब फेंकवा देता है, जिससे कि वो क्लियर के एनिलेटिंग स्पेल से बच सकें।
और जैसे ही क्लियर का स्पेल उन पे आके गिरता है वो स्टार्ट में हो जाते हैं और बच जाते हैं और उन दोनों की बुक उस स्पेल के चपेट में आ जाती है और उनकी बुक धीरे धीरे करके जलने लग जाती है। क्लियर का स्पेल इतना ताकतवर था कि उसने पाताल में भी छेद कर दिए थे। मीर उस स्पेल के बचाव के लिए नीचे झुक जाती है और डरते डरते कहती है, क्या ये क्लियर का स्पेल था? मैंने उसके स्पेल को इतना ताकतवर कभी नहीं देखा। लगता है क्लियर विनो की आंखों से यहाँ का माहौल देख रहा था। अभी तो उसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। फिर उन दोनों की बुक जलने लग जाती है और पपी रो पापी और लोपा बहुत तेज रोने लग जाते हैं। और इसके बाद अंतिम समय होता है कंचोमैन और पपीरियो का, क्योंकि उनकी बुकें अब जल रही हैं, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़ा दौड़ा कंचोमैन के पास जाने लग जाता है और कहता है, कंचोमैन मत जाओ। और फिर कंचोमैन कहता है, उल्कुरे। और दूसरी तरफ पापी रोपर से कहता है, हाँ अलविदा रोपर। फिर रोपर भी कहती है, तुम नहीं जा सकते पापी। फिर पापी रोपर से बड़े दर्द में बोलता है कि रोपर, आज तक तुमने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता था रोपर। फिर रोपर कहती है, अगर तुम आ गए तो तुम मर जाओगे। फिर कांचोमैन कहता है, कोई बात नहीं रोपर, अगर वो डिमोन वर्ल्ड में चला भी गया तो वो इरेज नहीं होगा, क्योंकि जैच आने वाला है वहाँ। और कहता है, मुझे यकीन है जैच जरूर किंग बनेगा और हम सबको वो वापस जरूर लेके आएगा। जैच मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पता है कि वो मेरे से भी ज्यादा कमजोर था, मगर वो अब मेरे से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और मुझे पता है कि वो उन लोगों को जरूर सबक सिखाएगा जो पीछे से वार करते हैं, और वो भी छुप के। हे फोलगोरे, तुम इतने रो मत, तुम तो बहादुर हो, तुम दुखी क्यों हो रहे हो इतने? फिर फोलगोरे रोते रोते कहता है, तुम पागल हो क्या कांचोमैन, कौन रो रहा है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर फोलगोरे कांचोमैन से कहता है, ए कांचोमैन तुम रो रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो गए थे ना, फिर भी तुम रो रहे हो। फिर कांचोमैन रोते रोते फोलगोरे को कहता है, ये सब ठीक है फोलगोरे, पर मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, फोलगोरे तुम अपने आप पे विश्वास बनाए रखना। फुलगोरे, अब मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग और कूल बनने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला फुलगोरे, यू फुलगोरे। फिर फुलगोरे रोते रोते बोलता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कांचोमैन, तुम मुझे आखिर छोड़ के ही क्यों जा रहे हो, अगर तुम मेरे सामने नहीं रहोगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, तुम मुझे छोड़ के मर जाओ कांचोमैन। फिर कांचोमैन रोते रोते कहता है, फोलगोरे ऐसा मत कहो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं और रोऊंगा। फिर फोलगोरे कांचोमैन से कहता है, तुम अभी भी वो पेपर क्ले से एनिमल्स बना रहे हो ना, तुम कैसे जा सकते हो उसे छोड़ के। फिर कांचोमैन फोलगोरे से कहता है, अबे तो हमने साथ में आइसक्रीम भी नहीं खाई है फोलगोरे, तुम चिंता मत करना फोलगोरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर कांचोमैन गायब हो जाता है। फिर कांचोमैन धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। फिर कांचोमैन अपने अंत समय में फोलगोरे से गले मिलता है। उस समय वो दोनों बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं और फिर कांचोमैन धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, और जिससे फुलगोरे बहुत दुखी होता है और कहता है कांचोमैन से, कांचोमैन। और इसके बाद पापी और कांचोमैन गायब हो जाते हैं ह्यूमन वर्ल्ड से, जिससे कि उनके पार्टनर
रोपर और फुलगोरे बहुत दुखी होते हैं और चारों तरफ दुख का वातावरण बन जाता है। रोपर दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया दोबारा। और फिर हमें दिखाई जाती है मीर जो कि अभी घायल है। और फिर हमें दिखाया जाता है बीनू जो कि चारा होता है अपना काम करके। और फिर ग्रोम दुखी होके अपने नए दोस्त की निशानी देखता है और अपना दुख प्रकट करता है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 301। तो भाई लोगों, ये मंगा की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो कृपया आप इसको लाइक कर दीजिए जिससे हमें थोड़ा आत्मविश्वास मिल जाएगा और नई नई वीडियो बनाने का। तो लाइक एम रखते हैं 500 लाइक का, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इस चैप्टर की कलर वर्जन मंगा चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, सायोनारा। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। मैं तेरा मुसाफिर मैं भटका, तू मेरा बसेरा, मैं तेरा।